कई सारी परियोजनाओं जिनकी कीमत बताई जाती है 3400 करोड़ रुपए है, उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री जी का विधिवत सम्मान। ये स्मृति चिन्ह है जो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना का संवाहक बद्रीनाथ धाम निश्चित रूप से प्रफुल्लित है। यहाँ आसपास के भी लोग जब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से वो सारे विकास के और कार्य होंगे जिससे रोजगार का अवसर पैदा होगा, जिससे नई व्यवस्थाएं होंगी और पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को धरती पर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए बद्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के बाहर धीरे धीरे आते हुए संपूर्ण मंदिर के परिसर के विषय में यहाँ पुजारी से जानकारी प्राप्त करते हुए अंदर भी भगवान के अनेक विभिन्न रूपों में बद्री विशाल के अतिरिक्त जो है अनेक सारे विग्रह हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपना सिर नवा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं और मुख्य पुजारी के साथ ही बद्री विशाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अपनी भक्ति का प्रवाह बना है बनाए रखते हैं प्रधानमंत्री। और यही कारण है कि वो आध्यात्मिक चेतना हमारी संतति का संवाहक होती है। ये इस मंदिर की वह पोथी है जिस पर यहाँ आने वाला सामान्य व्यक्ति से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और अगर कहें तो बद्री विशाल की यह उपस्थिति पंजिका है। यहाँ जो लोग आते हैं अपने विचार अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसी पुस्तिका में मैंने देखा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अपने विचार भी पुस्तक में व्यक्त किए थे। प्रधानमंत्री इसमें मंदिर के सम्मुख उमड़े जनसमूह के का अभिवादन करते हुए प्रफुल्लित हैं प्रधानमंत्री। प्रफुल्लित हैं वो लोग जो अपने बीच में प्रधानमंत्री को पा रहे हैं। इस वक्त अगर कहें तो बद्री विशाल अभी थोड़ी देर पहले चटक धूप थी लेकिन कार्तिक कृष्ण रमा एकादश्याम शुभ पुण्य तिथौ एक संयोग है आज एकादशी है और रमा एकादशी भगवान के चरणों में और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरात्मना प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत के देशे हिमवत् पर्वत के देशे केदारखंडे केदारखंडांतर्गत अभिमुक्त बद्रिकारण्ये सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकंदायाः दक्षिणे कुले नर नारायण पर्वतोर मध्ये पंचशिलाभ्यंतरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे तस्मिन् श्री बद्रीश्वरस्य मंदिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दोर सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ट्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे।
तो चलिए अब बड़ी खबर का रुख करते हैं, भोपाल से आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। जनवरी में चुकी इन्वेस्टर्स समिट जो है वो होने जा रहा है। आज पुणे दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। पुणे में बड़े उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे, संस्थानों के प्रतिनिधियों और इन्वेस्टर्स के साथ वो बैठक करेंगे। आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। 11 और 12 जनवरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां की जा रही हैं। बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, निवेश करने का जो यहां पर आग्रह है वो किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कार्यक्रम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है पुणे दौरे पर आज रहने वाले हैं, कितने बजे पुणे में पहुंचेंगे और पुणे में क्या क्या तैयारियां उसको लेकर, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक जो बैठक है वो होने जा रही है, और खासतौर पर ये जो बैठक है ये अपने आप में ही काफी विशेष हो जाती है, क्योंकि ये बैठक इन्वेस्टर्स के साथ होने वाली है, यानी कि उद्योगपतियों के साथ होने वाली है, ताकि मध्य प्रदेश में जो उद्योग की हम बात करते हैं वो उद्योग अच्छे से अच्छे आ सके, ज्यादा से ज्यादा जो उद्योग है वो आ सके, और ऐसे में जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है कहीं ना कहीं वो कम हो सके, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जमीनें हैं मध्य प्रदेश की, तमाम ऐसी चीजें हैं, प्राकृतिक संपदा है, जिसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो उद्योगपति उठा सकते हैं। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुणे, जो कि महाराष्ट्र में बना हुआ है, वहां पर उनकी एक बैठक होने, एक मीटिंग होने वाली है, और दरअसल इंटरकेटिक एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश के नाम से जो कार्यक्रम है वो ये किया गया है, और इस कार्यक्रम में जो कि जो तमाम जो उद्योगपति हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं, खासतौर पर इंदौर में जो इन्वेस्टर समिट होने वाली है, तो उस इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति मध्य प्रदेश आए और अपने जो इन्वेस्ट है वो कर सकें, इसको लेकर जो चर्चा है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राउंड टेबल पर करेंगे। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में उद्योगपतियों और राजदूतों के साथ चर्चा की थी, और इंदौर में जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसके लिए आमंत्रण भी उनको दिया था, ताकि मध्य प्रदेश में वे आए और यहां पर भी जो इंडस्ट्री है वो लगा सकते हैं। हमने देखा है कि इंदौर का पीरथमपुर इलाका है जो कि इंडस्ट्री इलाके के नाम से फेमस है, और यहां पर इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी जगह है। भोपाल का गोविंदपुरा, अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि इंडस्ट्री काफी अच्छे से लगाई जा सकती है। साथ ही साथ ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि मध्य प्रदेश में अगर उद्योगपति करते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा उद्योगपतियों को होगा, और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, उन्हें भी उसमें फायदा मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उद्योग नए आते हैं, स्थापित होते हैं, तो ऐसे में जो रोजगार के अवसर हैं वो सृजन होते हैं, और रोजगार का फायदा जो बेरोजगार युवक होते हैं उन्हें मिलता है। तो शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सोच है वो इसी तरह से रही है कि अगर मध्य प्रदेश में उद्योगपति आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्ट का कहीं ना कहीं फायदा सरकार को मिले, उद्योगपतियों को मिले, और मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उद्योगपतियों को आमंत्रण कर रहे हैं, पुणे में भी पहुंचकर आमंत्रण देंगे, और इंदौर में जो इन्वेस्टर समिट हो गई तो ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो उद्योगपति हैं वो उपस्थित रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक तरह तो रोजगार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध होंगे, और साथ ही जो युवाओं में टेंशन इस बात की रहती है कि वो पढ़ रहे हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो एक अवसर उनको भी मिलेगा। जितेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। और इसी बीच एक और खबर का हम रुख करेंगे भोपाल से, जहां महाकाल लोक कॉरिडोर के कामों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। मामले में 3 IAS समेत 15 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। लोकायुक्त तो पूरे मामले की जांच कर रही है। आइटम बदलकर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। वहीं आपको बताएं कि इसकी जो शिकायत है वो कांग्रेस विधायक महेश परवाण ने की थी। कांग्रेस विधायक की शिकायत के बाद ही ये मामला दर्ज किया गया, मामला उजागर हुआ। इस मामले में 3 IAS समेत 15 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कैसे उजागर हुआ ये मामला, कैसे कांग्रेस विधायक को इस बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, और पूरे मामले में जानकारी क्या अभी तक आपके पास है, और 15 अधिकारियों को नोटिस जो दिया गया है, क्या इसमें किसी और की संलिप्तता भी देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, महेश परमार हैं जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी कि उज्जैन में जो महाकाल श्री महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है उस कॉरिडोर में भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार जो जन्मा गया है वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं वहां पर जो सामान है उसमें बदलाव किया गया है, यानी कि आप मान लीजिए कहीं कोई टाइल्स लगनी है, कहीं कोई ऐसी चीज लगनी है तो कंपनी कोई और बताई गई है, लेकिन उसमें जो टाइल्स लगाई गई वो कुछ और लगाई गई, वहां पर कोई सामान बताया किसी कंपनी का गया लेकिन उसमें प्रयोग में जो लाया गया वो कुछ और लाया गया जो कि काफी सस्ता रहा, तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। और ऐसे में जब कांग्रेस के विधायक ने इस मामले में आपत्ति उठाई, इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, तो इसमें
मामला भी दर्ज हुआ है। लोकायुक्त की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो ठेकेदार है उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो सामान है उसको बदलकर यहां पर किया गया था। जो महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है उसमें 3 IAS अधिकारी और 15 अधिकारी को नोटिस जारी किए गए हैं, और ये जो नोटिस जारी किए गए हैं ये इसलिए जारी किए गए हैं कि जिस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, महाकाल कॉरिडोर जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया था, जिसका जो पहला फेज है फर्स्ट फेज है उसका जो उद्घाटन किया था, और उसी के कुछ दिनों के बाद अगर ये भ्रष्टाचार की शिकायत निकल कर आ रही है तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और अब इस पूरे मामले में 3 IAS अधिकारी और 15 जो अधिकारी हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है, और उनसे पूरी तरीके से जो डिटेल्स है वो मांगी गई, स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर ऐसी क्या क्या चीजें थी जिनके माध्यम से जो ठेकेदार है उसको फायदा पहुंचाया गया है। अब देखना यह होगा कि जब वो अपना स्पष्टीकरण इसमें लिख कर देंगे, जो कि नोटिस उनको जारी हुआ है, उसके बाद ये कहानी कहां तक पहुंचती है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें दोषियों को क्या सजा दी जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक ने शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत के आधार पर ही 15 अधिकारियों समेत 3 IAS अफसरों पर नोटिस थमाने की कार्रवाई